मूवी की शुरुआत में हमें एंशिएंट रशिया को दिखाया जाता है, जहाँ जंगल में एक वॉरियर भाग रहा होता है। कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद वो सैनिक उस वॉरियर को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक टोटका करने वाली जादूगरनी आ जाती है, जो उस वॉरियर को पत्थर का बना देती है। उस जादूगरनी को लगता है कि ये लास्ट वॉरियर है जो उसके काम में अड़चन डाल सकता है, इसलिए वो उसे पत्थर का बना देती है और उसे पानी में डुबा देती है, जहाँ पानी के अंदर बहुत सारी पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं। सभी उस वॉरियर के एक मित्र को भी जादूगरनी पकड़ लेती है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें मॉडर्न इंडिया का रशिया दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इवान नाम का चश्मिश होता है, जो वो खुद भी एक जादूगर होता है और वो अकेला रहता है क्योंकि वो अनाथ है। वो अपने जादू से लोगों का दिल बहलाता है और उसके पास साइकिक पावर भी होती है, जिससे वो लोगों की मदद करता है। एक दिन एक रईस औरत उसे अपने घर पे बुलाती है और बोलती है कि मेरा पति मुझे धोखा क्यों दे रहा है। वो चश्मिश उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर कोई काला साया है, इसलिए तुम्हारा झंडू पति तुम्हें धोखा दे रहा है। इस बात से उस रईस जादी को एहसास हो जाता है कि हाँ, उसका पति उसे धोखा दे रहा है, जो कि उसे अभी तक सिर्फ शक था और इस चश्मिश ने आके उसे कन्फर्म कर दिया। फिर चश्मिश एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ उसे बुलाया जाता है, जहाँ एक बच्चा कोमा में है, लेकिन इवान चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि चश्मिश को बच्चों को देखकर अपना बचपना याद आ जाता है। जब वो अनाथ आश्रम में रहा करता था, तब सब बच्चों ने मिलकर उस चश्मिश को एक कमरे में बंद कर दिया था, और इवान बहुत फिसड्डी था, इसलिए उसे डर लग रहा था। इवान मतलब चश्मिश। फिर इवान को एक पिन मिलती है और उस पिन से वो उस दरवाजे को खोल लेता है। आज भी चश्मिश उस लॉकेट को संभाल कर रखता है। अब इवान के पास एक आदमी आता है, जो उस रईस जादी का चोमू पति रहता है, जिसने साइकिक ट्रीटमेंट से बताया था कि तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है। उसका चोमू पति उससे बदला लेने आता है, लेकिन चश्मिश उनको चश्मा देकर वहां से भाग जाता है, और वो भागते भागते एक वाटर स्लाइड के अंदर एंटर करता है और दूसरी तरफ वो निकलता है तो एक जंगल में पहुँचता है। चश्मिश अब एंशियंट रशिया में पहुँच चुका है। ये वही जंगल है जहाँ कहानी की शुरुआत में जादू टोना करने वाली औरत दिखाई गई। तभी उस वॉरियर का दोस्त वहाँ आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छुपा कर रखा था। वो आदमी चश्मिश को एक रिंग देता है और बोलता है कि तुम्हें इस पूरी जगह को बचाना होगा, ये जगह बहुत डेंजर में है। चश्मिश उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और समझता है कि ये कोई पागल आदमी था। तभी एक तीर आकर उस पर लगता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ दूर से सैनिक आ जाते हैं जिन्होंने उस आदमी को मारा था। वो चश्मिश के हाथ बांध देते हैं और अपने राजा के पास ले जाते हैं। जैसे ही राजा उसके हाथ में अंगूठी देखता है तो बोलता है, अरे तुम तो मेरे भाई हो। इसके बाद राजा उसे क्वीन से मिलाता है, जो कि वही जादू टोना करने वाली जादूगरनी है। चुड़ैल कहती है कि आओ मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। चश्मिश चूतिया से उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ पर जादूगरनी उसे कैद खाने में बंद कर देती है और चश्मिश के साथ धोखा हो जाता है। चश्मिश देखता है कि वहाँ पर एक आदमी है जिसे बर्फ के टुकड़े अंदर कैद किया गया है। वो आदमी चश्मिश को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ से आए हो। वो कहता है कि तुम एलोशा के बेटे हो, जिसे रानी ने पत्थर का बनाकर पानी में डाल दिया था। वो बर्फ का आदमी चश्मिश को बताता है कि अगर तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना है तो तुम्हें एक खास तलवार को हासिल करना होगा, और उसे सिर्फ एलोसा का बेटा ही हासिल कर सकता है, जो कि तुम हो। मैंने भी कभी उस तलवार को हासिल किया था, इसके बाद मैं अमर हो गया, लेकिन जैसे ही राजा को ये बात पता चली उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया और भी उन सभी जादूगरों को कैद कर दिया जो अच्छा जादू किया करते थे। सबकी शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अगर तुम उस तलवार को हासिल कर लेते हो तो सभी की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और साथ ही तुम अपनी दुनिया में भी वापस जा सकते हो। फिर यहाँ पर एक बिच को बुलाया जाता है, बिच कुत्ती वाली बिच, डब्लू वाली बिच, बिच यानी चुड़ैल। वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से सभी गार्ड को घायल कर देती है। तभी एक मेढक को अंदर आते हुए दिखाया जाता है, जो कि बसीलिसा है, जो कि मेढक का रूप धारण करके आई है। वो यहाँ पर सबसे पहले उस आदमी को, जिसे बर्फ के अलग अलग टुकड़ों में कैद किया गया है, उसके हिस्सों को जोड़ती है, और इसके बाद वो आदमी इवान यानी कि चश्मिश को भी अपने साथ यहाँ से लेकर निकल जाता है। पर तभी इवान से गलती से वो घंटी बज जाती है और सभी सैनिक उठ जाते हैं, पर जैसे तैसे लड़ मड़ झगड़ बगड़ के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा को पता चलता है कि उसका भाई यहाँ से सारे कैदियों को लेकर भाग चुका है। राजा को नहीं पता रहता कि उस चुड़ैल ने ही उसके भाई को कैद किया था, जिससे राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी चश्मिश को दिखाया जाता है, जो कि एक तालाब तक पहुँच जाते हैं। उसी तालाब में एक रक्षक है
जिसकी इजाजत के बिना ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनके साथ आई हुई बिच अपना रूप एक सेक्सी सी लड़की में बदल लेती है, फिर क्या, क्रीचर पिघल जाता है भाई। आगे जाने की इजाजत तो देता ही है, साथ में उनके साथ उनकी मदद भी करने को तैयार हो जाता है और उन्हीं के साथ जाने लगता है। उसके बाद ये सारे के सारे एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पे एक जाइंट आदमी होता है जो कि वहाँ खाना बना रहा होता है। ये लोग उसके पीछे से चुपचाप से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी चश्मिश का फोन बज जाता है और उस जाइंट दानव को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ता है और इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, उससे इवान की फुटबॉल बन जाती है और वो दूर चले जाते हैं। उसके बाद चश्मिश वापस आता है और उस जाइंट को डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर ये लोग वहाँ से वापस निकल जाते हैं। उसके बाद ये एक नदी के पास पहुँचते हैं जहाँ बहुत ही खतरनाक दानव जैसी मछलियों को दिखाया जाता है। उसके बाद वो क्रिएचर पानी के अंदर जाता है ताकि वो मछलियों को हटा सके, तभी क्वीन वहाँ पर आ जाती है, वही जादू टोकना वाली चुड़ैल, और वो उन पर हमला करती है। लेकिन ये सभी के सभी अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे वो क्रिएचर पहले से मौजूद होता है। वो अपनी सियानपंती दिखाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं उस चुड़ैल का अकेले ही सामना कर लूँगा। क्रिएचर अपने शरीर का साइज इतना होंदू जैसा बड़ा कर लेता है, रानी के क्रिएचर आगे यानी कि सैनिक आगे जा ही नहीं पाते हैं। इस बात से चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादुई हंटर से क्रिएचर पर हमला करती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इन चारों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बचकर आगे निकल जाते हैं। चश्मिश को पड़ी है कि वो तलवार पा ले और बस अपनी दुनिया में वापस चले जाए, पर रसीला ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। रसीलिसा फ्रॉग में बदल काम रानी ने ही किया, क्योंकि एक बार रसीलिसा की पूरी फैमिली को रानी ने फ्रॉग में बदल दिया था और बिच ने वापस से अपनी शक्तियों से उसे इंसान बना दिया। अब फिर से चुड़ैल वहाँ आ जाती है और सबको बंदी बना लेती है। फिर वो वैसीलिसा पर हमला करती है, इसे वैसीलिसा नीचे गिर जाती है और इससे पहले कि वो नीचे गिरती वो फ्रॉग में बदल जाती है और अपनी जान बचा लेती है। तभी चश्मिश को दिखाया जाता है जिसे चुड़ैल अपने साथ ले जा रही होती है, पर एवान उसे किसी तरह से चोमू बनाकर वहाँ से भाग जाता है। वो ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारी तलवारें होती हैं और इन्हीं तलवारों में से एक तलवार वो है जो एवान को चाहिए। इससे पहले कि वो असली तलवार को पहचानता वो चुड़ैल फिर से वहाँ आ जाती है। वो फिर से चश्मिश पर हमला करती है और चश्मिश को असली तलवार मिल जाती है, फिर क्या, चश्मिश भी पावरफुल हो जाता है और वो उसी तलवार से चुड़ैल पर हमला कर देता है, जिससे अब की बार जादूगरनी फुटबॉल की तरह आसमान में समा जाती है और चश्मिश जादूगरनी को हरा देता है। तभी चश्मिश का वो साथी आता है जो बर्फ में कैद था। इवान भरोसा करके वो तलवार बर्फ के आदमी को दे देता है, फिर क्या, चश्मिश का चूतिया कटिया, बर्फ के आदमी के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। ये जो आदमी था ये राजा के साथ मिला हुआ रहता है और वो ये तलवार राजा को देना चाहता था। वो पूरा प्लान राजा का ही था और इस तलवार के बदले राजा उसे एक खास पत्थर देता है, पर जैसे ही वो तलवार देता है राजा उसे वो पत्थर नहीं देता, फिर क्या, इनका भी चूतिया कटिया। राजा इस तलवार से उनके ऊपर हमला करने लगता है, तभी वैसीलिसा वहाँ पे आ जाती है जो राजा के हाथ से तलवार लेकर बहुत दूर फेंक देती है जहाँ पर इवान था। इवान उस तलवार को उठाता है जिससे कि वहाँ पर एक गोल बवंडर बन जाता है। इवान उस तलवार को वहीं पर छोड़कर बवंडर के अंदर घुस जाता है और अपनी असली दुनिया में पहुँच जाता है। पर वापस आने के बाद उसे वैसीलिसा की बहुत याद आती है क्योंकि वो भी उसे प्यार करने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे वैसीलिसा को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसके बाद क्या, वो उसी स्लाइड में जाता है और वापस उसी दुनिया में वापस पहुंच जाता है, यानी कि एंशिएंट रशिया में। वहाँ पे राजा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है। इवान इस बार गन लाया होता है, वो राजा पर गन चलाता है पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अब वो चश्मिश को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयानक ड्रैगन आ जाता है जो कि इवान की मदद करने के लिए राजा के ऊपर अपनी आग फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चश्मिश वैसीलिसा को वहाँ से ले जाता है। वैसीलिसा चश्मिश को बताती है कि अगर तुम्हें राजा को मारना है तो मैं उस स्टोन को नष्ट करना होगा, उसी से राजा की मृत्यु हो सकती है, फिर क्या। चश्मिश राजा को ललकारता है कि हाँ है हिम्मत, आ तो आ मुझसे लड़। वहाँ रानी और वैसीलिसा के बीच फाइट होने लगती है। चश्मिश को पता चलता है कि राजा उसका भाई है ही नहीं, बल्कि वो तो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसके पिता को भी चुड़ैल ने और राजा ने मिलके मारा था, मतलब कि पत्थर का बनाया था। उसी के बाद वो स्टोन बर्फ वाले आदमी के पास आ जाता है। वो सब एक प्लान का हिस्सा था जिसे राजा ने बनाया था। अगर वो उस स्टोन को नष्ट कर देता है तो राजा और उस आदमी दोनों की मृत्यु हो जाएगी। वो अपनी जान के बिना परवाह किए स्टोन को तोड़ देता है
और तुरंत ही वो दोनों राजा और आइस वाला बंदा वहीं पे मर जाते हैं और रानी वहां से भाग जाती है। और अब राजा की मौत हो चुकी है तो इन्होंने जितने भी लोगों को पत्थर का बनाया था वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें चश्मिश के पिताजी भी होते हैं। इवान अपने पापा से मिलकर बहुत खुश होता है और इवान तय करता है कि वो अब असली दुनिया में नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। वैसिलिसा के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद वह फिर से अपनी दुनिया में जाता है और जो बच्चा कोमा में था उसे एक नीले रंग का द्रव्य पिलाता है जो कि एक जादुई द्रव्य होता है जिससे वो बच्चा तुरंत होश में आ जाता है। उसके बाद वो वापस से एंशियंट रशिया में आ जाता है। उसके बाद रानी को दिखाया जाता है जो कि मॉडर्न रशिया में है, जो कि घर पे काम कर रही होती है। तभी उसकी माँ आ जाती है कि इवान के घर पे मेड का काम करती थी। दरअसल इसकी माँ और उसने प्लान बनाया था कि ये जादुई दुनिया पर कब्जा कर पर उस पर हुकूमत करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो प्लीज़। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। ओके बाय।